ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि वो किसी के लिए भी रुकती नहीं है। अगर आज आप अपने दुखों का रोना रोने बैठ जाए, ज़िंदगी अपनी गति से चलती रहेगी। आपको जो मिलना है वो आपको मिलता रहेगा, जो अपनी किस्मत में लिखा ही नहीं है वो आपको चाहने पर भी नहीं मिलेगा। और बहुत बाद में आपको ये एहसास भी होगा कि आप जो चाह रहे थे या मांग रहे थे वो वाकई आपके लिए ठीक नहीं था। लेकिन इन सब चीज़ों का आकलन करने के लिए और इन सारी बातों को समझने के लिए सबसे पहले करना ये पड़ता है कि जो आपको मिला है उसके लिए आपको उस रब का शुक्रिया अदा करना पड़ता है। यानी कि इससे पहले कि आप अपने दुखों की फिक्र करें या अपनी तकलीफ़ों का जिक्र करें, आपको शुक्र करना आना चाहिए। क्योंकि यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं जो दुखी है, आप अकेले नहीं हैं जो परेशान है। जानते हैं, अगर आपको आपका दुख किसी से एक्सचेंज करने के लिए कहा जाए तो उसके दुख को देखने के बाद आप यकीनन अपने ही दुख को गले लगाना चाहेंगे। ये फैक्ट है और इसीलिए ज़िंदगी खूबसूरत है, क्योंकि ये जैसी भी है ये हमारी अपनी है। आज का जो गीत मैंने आपके लिए लिया है, इसमें ज़िंदगी की इसी फिलॉसफी को निता फासली साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ लिखा है। मैं आश्चर्य करती हूँ कि इस तरह के चमत्कारी लोग लिखते हैं तब वो क्या सोचते हैं और ज़िंदगी का क्या निचोड़ उनके पास है, क्या समझते हैं वो, मतलब कितनी गहराई, कितना डेप्थ, कितनी प्रोफाउंडनेस है उनके लिखाई में, उनके लिखने में। क्योंकि जो वो समझते हैं, मतलब निता फासली साहब के बारे में तो ये कहना चाहूँगी कि ऐसा लगता है जैसे वो ज़िंदगी को ही अपनी कलम में लिए घूमते हैं और शायद उसका जो निचोड़ है वो कागज़ पर उतार देते हैं। इतना ब्रिलियंट राइटिंग है ये। इस गज़ल के जो शब्द हैं वो काबिल तारीफ़ है। निता फासली साहब ने ज़िंदगी ही हमारे सामने लिख के रख दी है कागज़ पे। इसे गाया आशा भोसले जी ने भी है और भूपिंदर जी ने भी है। इसका जो संगीत है वो खय्याम साहब ने दिया है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, खय्याम साहब का जो संगीत है वो किसी भी गीत को एक बहुत ऊँचे दर्जे पर ले जाकर बैठा देता है। तो इस गीत के बारे में भी कोई अलग बात नहीं है, ये गीत भी उसी लेवल पर है। और लेकिन यहाँ यह है कि इसके शब्दों से हमें बहुत ताकत मिलती है, क्योंकि इसके शब्दों में वो सच्चाई है ज़िंदगी की, जो हमको और आपको समझने की बहुत बहुत ज़रूरत है अगर हम खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं। तो इसके शब्दों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि ये गीत आपको पसंद आएगा। कभी किसी को
मेरा।